गांव के जंगल में रहती है एक औरत की आत्मा और वो उस जंगल में आने वाले हर इंसान को मार रही है। अब क्या सच में उस जंगल में कोई आत्मा है या फिर इसके पीछे कोई और ही राज छुपा है? ऐसे में इस क्राइम केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी कार्तिक नाम के एक ऑफिसर को दी जाती है। तो क्या कार्तिक इस भूतिया जंगल के पीछे का राज पता कर पाएगा या फिर खुद ही इस केस में उलझ जाएगा, यही देखेंगे हम आज की मर्डर मिस्ट्री कहानी में। दोस्तों, जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है हमारे सामने बहुत सारे ट्विस्ट आने लगते हैं और इस कहानी का क्लाइमैक्स देखकर आपके तो होश उड़ जाएंगे, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही मर्डर मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है भास्कर नाम के एक शराबी पॉलिटिकल लीडर से। यहाँ पर वो कुछ बातें कर रहा होता है और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि भास्कर के कई सारे बड़े पॉलिटिकल के साथ बड़ी अच्छी पहचान है और वो यहाँ पर किसी से बार बार अपने पैसे मांग रहा होता है। भास्कर ने आज भी बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और फिर वो अपने घर पर जाने लगता है। वो ऑटो में बैठकर जा रहा था और वो नशे की हालत में होने की वजह से उस ऑटो ड्राइवर को भी भला बुरा कह देता है। अब यहाँ ऑटो ड्राइवर देखता है कि आगे रोड पर एक पेड़ गिरा हुआ है, जिस वजह से वो अब आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए वो ड्राइवर भास्कर को जंगल के रास्ते से घर जाने के लिए कहता है और भास्कर भी ड्राइवर के पास जो टॉर्च होती है वो लेकर घर की तरफ जाने लगता है और उस जंगल के रास्ते से जाते हुए बार बार कॉल पर किसी से पैसे भी मांग रहा होता है। तभी अचानक भास्कर को वहां पर अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है और तभी उसके सामने अचानक ही कोई आ जाता है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद हमें भास्कर के चिल्लाने की आवाज आती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले दिन हमें पता चलता है कि उसी जंगल में पिछली रात भास्कर की मौत हो गई थी और अब इस मौत का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। भास्कर की मौत होकर अब लगभग एक महीना बीत जाता है, लेकिन अब तक ये केस सॉल्व नहीं हो पाया था। लोगों का ऐसा कहना था कि वो जंगल शापित है, वहाँ पर किसी औरत की आत्मा रहती है और उसी औरत की आत्मा ने भास्कर को मार डाला। अब उसके बाद हम देखते हैं इस केस को एक स्पेशल ऑफिसर संभालता है जिसका नाम है कार्तिक। अब यहाँ पर वो सभी रिपोर्टर कार्तिक से सवाल जवाब करने लगते हैं कि ये केस कब सॉल्व होगा। कार्तिक उनकी बात का जवाब देते हुए कहता है कि मैं इस केस पर बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा हूँ, जल्दी ये केस सॉल्व हो जाएगा। जैसे मुझे कुछ सुराग मिलते हैं मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। अब यहाँ पर हमें कार्तिक की वाइफ को दिखाया जाता है जिसका नाम है तन्वी। और यहाँ कार्तिक के दूसरे केस के दौरान हम देखते हैं कि तन्वी कार्तिक से बहुत ज्यादा नाराज होती है, क्योंकि कार्तिक तो केस सॉल्व करने के चक्कर में तन्वी को टाइम ही नहीं दे पा रहा था। अब इसके बारे में क्या ही कहे, ये तो हर लड़की की परेशानी है। खैर, अब उसके बाद हम देखते हैं कि कार्तिक से कोई मिलने के लिए आता है, लेकिन कार्तिक तो घर पर नहीं होता, तो तन्वी उस आदमी को बाद में आने के लिए कहती है। उसके अगले दिन हम देखते हैं कि वो आदमी कार्तिक को कॉल करता है और अपना नाम डेविड बताता है। वो यहाँ पर कार्तिक से ये भी कहता है कि मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूँ। अब कार्तिक यहाँ पर डेविड की बात सुन ही रहा होता है कि तभी उसे उसके सीनियर का कॉल आता है जो उसके साथ इस केस के रिलेटेड कुछ बातें करना चाहते थे। इसलिए कार्तिक डेविड को होल्ड पर रखता है और अपने सीनियर के साथ बात करने लगता है। फिर इसी बातों के दौरान कार्तिक ये डिसाइड करता है कि वो अब उस मर्डर हुए भास्कर के गाँव पर जाएगा और इस केस के बारे में अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगा। अब उसके सीनियर का कॉल कट करने के बाद कार्तिक डेविड को कॉल करता है, लेकिन तब तक तो डेविड वहाँ से जा चुका था, क्योंकि दोस्तों डेविड ने पब्लिक फोन से कॉल किया था। अब उसके अगले सीन में हम धर्मराज नाम के उसी गांव के एक जमींदार को देखते हैं और वहां पर उसकी पहचान वाला कृष्णप्पा नाम का एक आदमी आता है। वो धर्मराज से कहता है कि मेरी पहचान वाला एक आदमी रहने के लिए गांव में आ रहा है और उसके रहने के लिए मुझे घर की जरूरत है। फिर धर्मराज उसे अपना पुराना घर इस्तेमाल करने की परमिशन दे देता है। अब यहाँ पर एक दिन कार्तिक के घर पर पार्सल आता है और उस दिन भी कार्तिक घर पर नहीं था, जिस वजह से तन्वी उस पार्सल को ले लेती है और उसके बाद से ही अचानक तन्वी को बहुत ही डरावने सपने आने लगते हैं, जिससे कि वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास कोई है, उसके चारों तरफ कोई आत्मा घूम रही है। अब ये बात जानने के बाद कार्तिक तन्वी को अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त से मिलवाता है और इस डॉक्टर का नाम होता है नीता। नीता तन्वी से कहती है कि ये भूत वगैरह कुछ नहीं होता
और ये सब कुछ तुम्हारे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हो रहा है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। अब उसके कुछ देर के बाद तन्वी को कार्तिक का कॉल आता है और कार्तिक तन्वी से अपने लिए आए हुए एक पार्सल के बारे में पूछता है। ये बात सुनकर तन्वी समझ जाती है कि कार्तिक उसी पार्सल के बारे में पूछ रहा है, इसीलिए तन्वी जल्दी से जाकर उस पार्सल को कार्तिक को देने के लिए निकाल रही होती है और उस पार्सल के अंदर मिले हुए एक बॉक्स में एक चाबी होती है और उस चाबी को अपने हाथ में लेते ही तन्वी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। अब उसके कुछ देर बाद वहां पर कार्तिक आता है और तन्वी को बेहोश देखकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां पर डॉक्टर नीता कार्तिक से कहती है कि शायद तुम तन्वी को ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हो, इसलिए वो डिप्रेशन में जा रही है और अब ये सब कुछ कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा, यानी कि अब तुम्हें अपने केस से ज्यादा तन्वी को टाइम देना होगा, तभी तन्वी ठीक हो सकती है, वरना बात बिगड़ जाएगी। अब ये बात सुनने के बाद कार्तिक तन्वी के हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और फिर तन्वी को भी अपने साथ भास्कर के गांव लेकर जाता है और वहां जाकर वो अपने केस के इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और इसी के साथ साथ वो तन्वी का ध्यान भी बड़े अच्छे से रखता है। अब यहां पर हमें एक बात पता चलती है कि कार्तिक ने यहां पर किसी को बताया नहीं था कि वो एक इंस्पेक्टर है। वो इस गांव में एक आम आदमी की तरह रह रहा होता है और चुपचाप अपना इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा होता है। अब यहाँ पर कार्तिक कृष्णप्पा से मिलता है जो उसे अपना घर दिखाता है। दरअसल दोस्तों ये वही धर्मराज का पुराना घर होता है, लेकिन उस वक्त कृष्णप्पा के पास उस घर की चाबी नहीं होती है, इसलिए वो अपने आदमी को उस घर की चाबी बनाने के लिए कहता है और कार्तिक और तन्वी को धर्मराज से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। यहाँ पर कार्तिक और धर्मराज काफी अच्छी तरीके से बातें करते हैं। धर्मराज उसे कहता है कि जब तक वो घर ना खुले तब तक आप हमारे यहाँ पर रुक सकते हो। यहाँ पर कार्तिक और धर्मराज की काफी अच्छी तरीके से बातें होती है, लेकिन यहाँ पर शॉकिंग बात ये थी कि उस घर की चाबी पहले से ही तन्वी के पास थी। दरअसल दोस्तों तन्वी को जो चाबी उस बॉक्स में मिली थी वही उस घर की चाबी होती है और उस चाबी से वो घर खुल भी जाता है। ये देखकर कार्तिक हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और यही सेम चाबी इनके पास कैसे आई। खैर अब उसके अगले दिन कार्तिक भास्कर के केस की फाइल को ऑफिस से ले लेता है और उसी दौरान हम वहां पर डेविड को देखते हैं जो कार्तिक के साथ बात करने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी डेविड एक ऑफिसर को देखता है और वहां से बिना कुछ बताए ही चला जाता है। उसके बाद यहां पर हम तन्वी को उसी पुराने घर में देखते हैं जहां पर एक रात वो बहुत ज्यादा तैयार होकर वहां पर रखे हुए गहने वगैरह पहन लेती है। उसके कुछ देर बाद वहां पर कार्तिक आता है तो वो तन्वी को बेहोश हालत में देखता है। उसके बाद वो उसे मुश्किल से संभालता है और उसकी सारी ज्वेलरी निकाल कर रख देता है। अब उसके अगले दिन जब कार्तिक धर्मराज से बात करने के लिए जाता है तो वहां पर कार्तिक उस घर में एक औरत का फोटो देखता है जिसका नाम अनुपमा था। जी हाँ दोस्तों टेंशन मत लीजिए, ये स्टार प्लस वाली अनुपमा नहीं है। अब यहाँ पर धर्मराज कार्तिक को बताता है कि अनुपमा मेरी वाइफ थी और उसकी मौत के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। अब यहाँ पर कार्तिक को उस पुराने घर के पास दिखी हुई कब्र याद आती है और उसके ऊपर अनुपमा लिखा हुआ था। यहाँ पर धर्मराज कार्तिक को और उसकी वाइफ को एक फेस्टिवल में आने के लिए इनवाइट करता है जो कि उनके गांव में सबसे फेमस फेस्टिवल होता था। अब वहां से जाते हुए कार्तिक को बीच में ही डेविड मिल जाता है। वो उसे रोककर अपनी वाइफ के पास लेकर जाता है। डेविड कार्तिक से कहता है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसके बाद कार्तिक डेविड की पत्नी मैरी से मिलता है जिसकी तबीयत थोड़ी खराब हो चुकी थी। मैरी कार्तिक से कहती है कि मैं बहुत समय पहले धर्मराज के घर पर काम करती थी और मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब दोस्तों यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में जहाँ पर हम धर्मराज और अनुपमा को देखते हैं। मैरी तब उनके घर पर नौकरानी का काम किया करती थी। अब उस दिन देवकला का त्योहार था इसलिए अनुपमा ने मुझे स्टोर रूम साफ करने के लिए कहा था और वो खुद धर्मराज के साथ त्योहार में चली गई। यहाँ पर मुझे वो स्टोर रूम साफ करते करते रात हो गई, जिसके बाद जब मैं अनुपमा से मिलने के लिए गई तो मैंने देखा कि धर्मराज और अनुपमा दोनों ही बेहोश पड़े हैं और वहाँ पर खून भी फैला हुआ है। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। फिर मैंने धर्मराज के बेटे को गोद में लिया ताकि उसके ऊपर कोई खतरा ना आए और तभी मैंने उस घर में किसी को देखा और शायद वही खूनी हो सकता है। और उसके बाद अपनी और बच्चे की जान बचाने के लिए मैं वहां से भाग गई। अब उसके कुछ देर बाद मैं और डेविड पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर हमें पता चला कि हमारे ऊपर ही कंप्लेंट दर्ज की गई है कि मैंने ही धर्मराज और अनुपमा के ऊपर हमला किया और उसके बाद धर्मराज के बच्चों को किडनैप किया। इसलिए अब पुलिस के डर से हमने वो गांव छोड़ दिया और यहाँ पर आकर रहने लगे। उसके कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि धर्मराज ने दूसरी शादी कर ली है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट।
दरअसल दोस्तों वो धर्मराज का बच्चा और कोई नहीं बल्कि कार्तिक ही होता है। यहाँ तक कि तन्वी को जो पार्सल में चाबी मिली थी वो डेविड ने ही भेजी थी, जिसके जरिए कार्तिक इस गांव में आकर अनुपमा की मौत का खुलासा कर सके। अब इतनी सारी बातों को सुनकर कार्तिक के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब उसके अगले दिन हम कार्तिक को बाइक से जाता हुआ देखते हैं, लेकिन तभी अचानक कुछ लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन दोस्तों उस वक्त बाइक पर कार्तिक नहीं बल्कि धर्मराज का बेटा विकी होता है, जिसने पिछले दिन कार्तिक से किसी काम के लिए उसकी बाइक मांगी थी। और इस घटना से हमें पता चलता है कि कोई तो है जो कार्तिक को मारना चाहता है। अब उसके बाद कार्तिक राजशेखर से उस दिन की बात करता है जिस दिन अनुपमा की मौत हुई थी। और तब राजशेखर को पता चलता है कि कार्तिक एक पुलिस ऑफिसर है, जिसके बाद वो बताता है कि जब मैं उस दिन धर्मराज के घर पर गया था तब मैंने देखा कि धर्मराज और अनुपमा बेहोश पड़े हुए हैं, इसलिए मैंने अपने हाथ में डंडा लिया और तभी मैंने देखा कि मेरी बच्चे को लेकर वहाँ से भाग रही है, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाया और फिर उसके बाद मैंने जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि मेरी बच्चे को लेकर भाग रही है। और यहाँ पर कार्तिक को समझ में आ जाता है कि असल में मैरी ने उस दिन राजशेखर को मर्डरर समझ लिया था और राजशेखर ने मैरी को गलत समझ लिया था। तो फिर यहाँ पर असली खूनी कौन है, ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब उसके बाद रात को कार्तिक को उसके सीनियर का कॉल आता है जो उसे इस केस के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रोक देते हैं और जल्दी से इस केस का रिपोर्ट बनाकर सबमिट करने के लिए कहते हैं। इसी के साथ वो कार्तिक से ये भी कहते हैं कि अब तुम्हारे जगह पर कोई दूसरा ऑफिसर इस केस को हैंडल करेगा। अब ये बात सुनने के बाद कार्तिक थोड़ा टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसके पास अब एक ही दिन बचा हुआ है और उसी एक दिन के अंदर उसे भास्कर के केस को और साथ में उसे अपनी माँ अनुपमा के मौत के केस को भी सुलझाना था। अब उसके अगली सुबह धर्मराज अनुपमा के कब्र के पास होता है, तभी वहाँ पर कार्तिक आकर अनुपमा की सारी ज्वेलरीज को रख देता है और धर्मराज को सच बता देता है कि मैं आपका ही बेटा हूँ। ये बात सुनकर धर्मराज के तो होश उड़ जाते हैं। कार्तिक अब धर्मराज से पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था, मेरी माँ की मौत कैसे हुई। और दोस्तों अब यहाँ से सारे राज खुलने लगते हैं। धर्मराज बताता है कि उस दिन देवाकोला का त्योहार था और मैं और अनुपमा वहाँ पर जाने वाले थे, लेकिन उस दिन शाम को मैंने थोड़ी शराब पी ली थी जिसकी वजह से अनुपमा और मेरे बीच में छोटा सा झगड़ा हो गया था और इसी बीच में मेरा अनुपमा को थोड़ा सा धक्का लग गया जिससे कि उसका सर दीवार पर टकरा गया और वो बेहोश हो गई। तभी मैंने देखा कि मेरी वहाँ पर आ रही है, इसीलिए मैंने खुद भी वहाँ पर बेहोश होने का नाटक किया और उसके आगे क्या हुआ ये सब तुम जानते ही हो। उसके बाद धर्मराज ने अनुपमा को बचाने की कोशिश की थी लेकिन उसका ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। अब यहाँ पर कार्तिक को अपनी माँ की मौत के बारे में तो पता चल गया था, इसलिए कार्तिक अब भास्कर के केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो उस ऑटो ड्राइवर को पकड़ लेता है जिसने उस दिन भास्कर को उस जंगल के पास छोड़ा था। वो उस ड्राइवर की थोड़ी धुलाई करता है और उसके बाद कार्तिक को इस केस रिलेटेड एक बहुत बड़ा सच पता चलता है। इसी के साथ कार्तिक एक डॉक्टर के पास भी जाता है जिससे उसे थोड़ी जानकारी मिलती है, जिस वजह से कार्तिक को भास्कर की मौत का पूरा सच पता चल जाता है। जिसके बाद कार्तिक धर्मराज को कॉल करके बताता है कि मुझे भास्कर की मौत का सच पता चल चुका है और आप अपनी पत्नी वीना और राजशेखर के साथ अपने घर पर मेरा इंतजार कीजिए, मैं वहाँ पर आकर सबके सामने भास्कर की मौत का सच बताऊंगा। फिर कार्तिक वहाँ के पुलिस ऑफिसर के साथ धर्मराज के घर पर जाने लगता है। अब वहाँ पर जाते वक्त वो ऑफिसर कार्तिक से पूछता है कि सर भास्कर को मारा किसने। कार्तिक बताता है कि भास्कर को धर्मराज की पत्नी वीना ने मरवाया है जिसमें वो ऑटो ड्राइवर भी शामिल था और असल में उसने भास्कर को उस दिन जंगल में इसीलिए मारा क्योंकि धर्मराज ने एक मर्डर किया था जिसे छुपाने के लिए भास्कर बार बार वीना को ब्लैकमेल करके उससे पैसे मांग रहा था और इसी से तंग आकर वीना ने भास्कर को मरवा दिया और इस मर्डर को इस तरह से बना दिया जैसे कि भास्कर को जंगल में रहने वाली भूतनी ने मारा हो। दरअसल यहाँ पर सभी लोग ये समझ रहे थे कि अनुपमा के मर्डर के बाद उसकी ही आत्मा जंगल में घूमती है और वही लोगों को मार रही है और इसी बात का फायदा उठाकर वीना ने भास्कर को मार डाला। उस रात वीना अनुपमा के पुराने ज्वेलरी पहनकर भास्कर के सामने आ गई और भास्कर को लगा कि उसके सामने अनुपमा की आत्मा आ गई है जिससे कि वो बहुत ज्यादा घबरा गया और उसी वक्त उस ऑटो वाले ने पीछे से आकर भास्कर पर हमला कर दिया और उसे खत्म कर दिया। ये चीज कार्तिक को तब पता चली जब भास्कर के मौत की जगह पर उसे एक चाबी मिली और उस चाबी के ऊपर उसे वीना के फिंगरप्रिंट्स मिले। इसी के साथ उसे अनुपमा के ज्वेलर के ऊपर वीना के बालों का सैंपल भी मिला था जिसे कार्तिक ने फॉरेंसिक लैब भेजा था और यहाँ पर उस ऑटो ड्राइवर ने भी मार खाने के बाद सच बता ही दिया था।
अब यहाँ पर धर्मराज के घर पर वीना डर की वजह से सब कुछ सच बता देती है, जिसके बाद कार्तिक वहाँ पर अपने साथ डॉक्टर को लेकर आता है और उसी वक्त वहाँ पर राजशेखर भी आ जाता है। उसके बाद कार्तिक डॉक्टर से कहता है कि अनुपमा की मौत कैसे हुई थी, जरा आप इन्हें बताओ तो सही। और यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग बात सामने आती है। यहाँ पर डॉक्टर सबके सामने बताते हैं कि अनुपमा की मौत सांस ना मिलने की वजह से हुई थी। तब कार्तिक कहता है कि पोस्टमार्टम में तो यही लिखा था कि अनुपमा की मौत सिर पर चोट लगने की वजह से हुई है, और ये रिपोर्ट भास्कर और राजशेखर लेकर आए थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल यहाँ पर असल में जो मौत हुई थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो लिखा था वो बिल्कुल भी अलग था। अब ये सुनने के बाद धर्मराज को राजशेखर के ऊपर शक हो जाता है और वो गुस्से में आकर राजशेखर को उस दिन का सच बताने के लिए कहता है। अब दरअसल यहाँ पर हुआ ये था कि उस दिन धर्मराज, राजशेखर और भास्कर ये तीनों मिलकर एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। ये तीनों ही उस वक्त बहुत ज्यादा टल्ली थे और उस वक्त वहाँ पर राजशेखर की बहन वीना आ गई और वो धर्मराज को सेड्यूस करने लगी, जिसकी वजह से धर्मराज नशे की हालत में वीना के साथ इंटीमेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वीना अपने भाई राजशेखर को ये बताती है कि धर्मराज ने उसका नाजायज फायदा उठाया, जिससे कि गुस्से में आकर राजशेखर एक बहुत बड़ा डंडा लेकर धर्मराज को मारने के लिए चला जाता है। फिर वो वहाँ पर धर्मराज और अनुपमा को बेहोश हालत में देखता है। और आगे जब राजशेखर और भास्कर जब अनुपमा को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तो रास्ते में भास्कर ने राजशेखर को इशारा किया कि तुम अनुपमा को मार दो, इससे होगा ये कि धर्मराज को तुम्हारी बहन वीना के साथ शादी करनी ही होगी, क्योंकि वो तो उसके साथ रिश्ता बना चुका है और तुम्हारी बहन एक बहुत बड़े जमींदार की पत्नी बन जाएगी और फिर क्या, तुम दोनों की तो पूरी जिंदगी ऐशी ऐश है। अब यहाँ पर राजशेखर भास्कर की बातों में आ जाता है और अनुपमा का मुंह बंद करके उसे मार देता है। अब ये सच सुनने के बाद धर्मराज गुस्से में पागल हो जाता है और वो अपनी गन लेकर राजशेखर को मार डालता है। अब यहाँ पर कार्तिक धर्मराज को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक राजशेखर की मौत हो चुकी थी। इसी के साथ यहाँ पर दोनों ही केस का सच सबके सामने आ जाता है और यहाँ पर कार्तिक को वीना और धर्मराज दोनों को अरेस्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि तन्वी के साथ जो अजीब तरह के इंसिडेंट हो रहे थे वो कैसे हो रहे थे, उसके पीछे क्या कारण था। दरअसल दोस्तों इसके पीछे कोई हॉरर इंसिडेंट नहीं था, असलियत में तन्वी बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रही थी कि उसका पति कार्तिक उसे टाइम ही नहीं देता और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही थी और इसी टेंशन के कारण उसके साथ वो सारे इंसिडेंट हो रहे थे। अब कहानी के एंड में हम कार्तिक और तन्वी को उसी घर में एक साथ रहते हुए देखते हैं, क्योंकि कार्तिक तो धर्मराज का बड़ा बेटा था और अब ये सारी प्रॉपर्टी उसकी ही थी। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मर्डर मिस्ट्री आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।